अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो हम देखेंगे लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं डू वाइल के बारे में। इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, फॉर लूप है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डू वाइल लूप। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वाइल लूप और अब पढ़ना हमने डू वाइल। तो डू वाइल लूप का जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह से है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स है। यहाँ पे आएगा हमारे पास ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है, जो भी हमने प्रिंट करवानी होगी। तो एंड पे इसकी है क्या ही कंडीशन आ जाएगी। तो ये सब सर वाला कोड हो गया। सर ने यहाँ पे फ्लो चार्ट समझाया हुआ है आपको कि अगर डू वाइल लूप लगा दिया, ठीक है, प्रोसेस होगा, कंडीशन ट्रू है तो इस तरह चला जाएगा, अगर तो फिर वापस आ जाएगा। ठीक है, यस होगा तो मीन के वो दोबारा उसको चेक करता जाएगा जब तक वो फॉल्स नहीं हो जाती। तो ये एंड पर सर ने ये करवाया प्रोग्राम आपको, तो ये तो आप खुद ही करेंगे। ठीक है, जस्ट मैं आपको अपना कोड दिखा के समझा के तो आपको कंसेप्ट देने वाला हूँ। तो फॉलो बाद में करते हैं। तो ये सबसे पहले है जी डू वाइल। तो ये इसका कोड है। यहाँ पे मैंने एक करवा दिया वेरिएबल को डिक्लेयर करवा दिया। ठीक है, मैं जो है वो कोड पहले लिख लेता हूँ टाइम की सेविंग के लिए। ठीक है, एक करवाया हमने वेरिएबल को डिक्लेयर इंटीजर ए के नाम से, उसके बाद डू लगाया हमने। इसके बाद ये स्टेटमेंट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स आ गई हैं। ठीक है, इसके एंड पे हमारे पास कंडीशन आ गई है ये वाली। पहले क्या होगा, इंटर एनी नंबर, पहले ये प्रिंट होगा, जो भी यूज़र इंटर करेगा वो ए में आकर स्टोर हो जाएगी हमारे पास। देन क्या बोलेगा, वो प्रिंट होगा यू इंटर, फिर जो भी इसने इंटर किया होगा वो यहाँ पे सेव होकर हमें स्क्रीन पे शो हो जाएगा कंसोल पे। तो कंडीशन क्या लगाई है हमने, ए नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, कि जो ए है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। उसके बराबर होगा तो हमारे पास जो कोड है वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो आइए पहले इसको देखते हैं। ठीक है, पहले एनी इंटर एनी नंबर कहता है यू इंटर। ठीक है, तो ये वो जो भी मैं इंटर कर रहा हूँ, अब मैं ज़ीरो को इंटर करता हूँ, यू इंटर ज़ीरो, प्रोग्राम ख़त्म। ठीक है, तो ये था डू वाइल लूप। अब वाइल और डू वाइल में क्या डिफरेंस है। वाइल में जो था लास्ट टाइम मैंने आपको बताया कि हमें नहीं पता कि हमारा कोड कब तक जो है वो चलेगा। ठीक है, तो जो डू वाइल है इसमें हमारे पास एक दफ़ा हमारा कोड रन होता ही होता है, मीन कि लाजमी रन होगा इसने। एक दफ़ा हमारे पास जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो लाजमी हमारे पास रन होंगी। क्यों? क्योंकि डू ऊपर लिखा जा रहा है और वाइल जो कंडीशन है वो बाद में आ रही है। पहले ये स्टेटमेंट्स जो हैं वो रन हो रही हैं, कंडीशन बाद में चेक हो रही है। ठीक है, इस वजह से वाइल और डू वाइल जो है ये दोनों में डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि डू ऊपर है और कंडीशन बाद में आ रही है। ठीक है, ये दोनों का मेन डिफरेंस है। होप सो आपको समझ आई होगी वाइल और डू वाइल की। इसके बाद फॉर लूप है। फॉर लूप हम क्यों यूज़ करते हैं? फॉर लूप हम इसलिए यूज़ करते हैं कि चीज़ों को काउंट करने के लिए, करवाने के लिए, यानी कि जब तक हम चाहते हैं कि हमारा जो काउंटर वो चलता रहे। जैसे कि ये आपके पास जो स्टॉप वॉचेज होती हैं, जो उसके वो स्टॉप वॉच कह रहा हूँ, ये वाले जो तस्वीर जिसको हम कहते हैं काउंटर। ठीक है, काउंटर में भी कंडीशन लगी होती है, फॉलो पीस में भी यूज़ हुआ होता है कि ये तब तक चलता जाए जब तक यूज़र की मर्जी है। ठीक है, तो काउंट करने के लिए, तो फॉलो के लिए हम जो है ये इसकी जो सिंटैक्स है वो ये है। यहाँ पे इंस्टॉलेशन होगी, यहाँ पे कंडीशन आएगी, यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स आएंगे। ठीक है, तो एंड पे यहाँ पे आएगा आपके पास ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। ये इसका सिंटैक्स है फॉर लूप का। तो आगे इसकी एग्जांपल छोटी सी मैंने आपको समझाई हुई है कि एक मैंने वेरिएबल को करवाया डिक्लेयर, ठीक है, आई का। तो यहाँ पे मैंने इसकी इंस्टॉलेशन करवा दी है, आई इज इक्वल ज़ीरो, मैं कि ये ज़ीरो के बराबर है।
उसके बाद यहाँ पे कंडीशन दे दी है आई लेस देन 10, ठीक है। यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट का ऑपरेटर लगा दिया आई प्लस प्लस का, यहाँ पे सी एल करवा के एक टैब की स्पेस दी है, यहाँ पे आई की वैल्यू आके स्टोर हो रही है, ठीक है। तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ज़ीरो से, ठीक है। तो जो ज़ीरो है, ज़ीरो की वैल्यू हमारे पास जो होगी, ज़ीरो इज़ इक्वल वन की वैल्यू होगी, ठीक है, वन इज़ इक्वल टू आएगा। मीन के हमारे पास ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा था, ये कब तक चलेगा फिर, ये लेस दैन टेन है तो ये नाइन तक चलेगा आपके पास, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये लेस दैन टेन है, अगर यहाँ पे इक्वल होता तो इसने टेन पे ही आ जाना था। चेक करते हैं अब इसको में क्या डिफरेंस आता है, ये देखिए अब टेन भी आ गया, क्यों, क्योंकि वो इसके इक्वल हो गया, ठीक हो गया। मीन के ये ज़ीरो से स्टार्ट हो गया, टेन तक प्रिंट करवा रहा है इसकी कंडीशन को। अगर अब हम इसको टेन की बजाय हम हंड्रेड लिखते हैं तो ये 99 तक प्रिंट करवाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। ये आपका फॉर लूप, क्या आप इसको कब तक प्रिंट करवाना चाहते हैं। अगर आप इसको कंडीशन ज़ीरो से वन से स्टार्ट करती हैं तो फिर ये वन से स्टार्ट होगा आपके पास, ठीक है। तो ये था इसका मेन डिफरेंस चेंज करने के बाद, ठीक हो गया। ये फॉर लूप के आपका क्लियर हो गया। तो सर ने यहाँ पे कुछ फॉर लूप के थ्रू ही आप अपना जो टेबल है वो प्रिंट करवा सकते हैं। सर ने तो यहाँ पे कुछ और मेथड से प्रिंट करवाया हुआ है, लेकिन मेरे मेथड प्रिंट करवाने का मेथड कुछ और है, ठीक है। ये मैंने टू का टेबल जो है समझ लें कि वो मैंने प्रिंट करवाया हुआ है आपके सामने, वैल्यू टेबल तो नहीं इसको, लेकिन टेबल के जैसा ही आपको कंसेप्ट देगा ये। पहले एक वेरिएबल, दो वेरिएबल को डिक्लेयर करवाया, ए को और आई को, इसके बाद इसकी वैल्यू दी है कब तक चलेगा, टेन तक चलेगा। पहले ए की वैल्यू आएगी, ठीक है, ज़ीरो ज़ीरो प्लस टू, पहले ए की होगी वैल्यू, क्या होगी फर्स्ट में, क्या होगी वैल्यू इसकी, टू होगी, ठीक है। फर्स्ट वाले में टू आएगी, सेकेंड वाले में ए प्लस टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा फोर, ठीक है। थर्ड वाले में कितना आ जाएगा, सिक्स हो जाएगा, क्योंकि फोर प्लस टू आएगा फिर, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू जो है वो चलती जा रही है, ठीक हो गया। तो ये इसकी एक एग्जांपल थी फॉर लूप की, ये देखें टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन सिक्सटीन एटीन ट्वेंटी, टू फोर सिक्स टेन ट्वेंटी फोर्टीन एटीन सिक्सटीन, ठीक है। आप इसको टेबल ही कह सकते हो, ओके। सर ने किसी और तरीके से करवाया हुआ है तो मैंने किसी और मेथड से करवा दिया, जस्ट डिफरेंस ये है। सर ने इस तरह से प्रिंट करवाया, आप इसका कोड चेक कर सकते हो यहाँ से बुक से, ये है। फॉर लूप के थ्रू हम टेबल को क्या करवाते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। आप चाहे मेरा मेथड यूज़ कर लें, चाहे सर वाला मेथड यूज़ कर लें, नो प्रॉब्लम, ठीक है। फॉर लूप भी आपका हो गया। उसके बाद एक और सर ने कोड दिया हुआ है कि जो यूज़र है वो अपनी मर्जी के साथ जो है वो टेबल को प्रिंट करवा सकता है। ये आप कोड चेक कर लेना, कोड तो आपको खुद ही करना पड़ेंगे। आपके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं तो ये आप इधर आ जाए, आपको मैं समझाता हूँ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होता है। लास्ट टाइम भी आपको मैंने वीडियो समझ करवाई थी, एक बताया था उसमें भी। अब इसको मैंने इनिशियलाइज करवा दिया है ए इज़ इक्वल थ्री से, फिर इसमें मैंने इसको प्रिंट करवाया ए प्लस प्लस। पहले ये ए की वैल्यू को लेगा, ठीक है, यूज़ करेगा, क्या होगी वो थ्री होगी। उसके बाद इसको प्रिंट, इसमें एक प्लस करने के बाद इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी लाइन नंबर एट पे, तो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगी, वो क्या होगी फोर होगी, ठीक है। चेक करते हैं, ये देखें पहले वो क्या कर रहा है, ए की वैल्यू को ले रहा है, ए की वैल्यू कितनी है थ्री है। उसके बाद प्लस प्लस करने के बाद, इसमें इंक्रीमेंट करने के बाद वो क्या कर रहा है, थ्री प्लस वन फोर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर उसने किया प्लस प्लस ए, अब फिर फोर था, फोर के बाद एक उसमें वो प्लस हो गया, फाइव बन गया। तो फाइव बनने के बाद ये कहाँ पर स्टोर हो रहा है, यहाँ पर आपके पास स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से था इंक्रीमेंट वाला ऑपरेटर। डिक्रीमेंट आप इसमें माइनस कर लें,
जस्ट इसमें ये डिफरेंस आएगा आपका, और इसमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। तो पहले ए की वैल्यू को लेगा, कितनी है वो 3 है, उसमें एक डिक्रीमेंट कर देगा, 2 आ जाएगा। 2 वाला जो यहाँ पे आएगा अभी, इसको चेक करेगा, इसकी वैल्यू स्टोर होगी यहाँ पे 1 1 1। तो ये जो कोड है, ये आपका जो पैटर्न है वो प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। कैलेंडर नंबर ऑफ रोज मैं 5 तक नहीं तो 10 तक, ये है जी। कुछ इस तरह से आपका जो डायमंड है टाइप का, वो आपका प्रिंट होगा फॉर लूप के ही ज़रिए, ठीक है। तो आपको एक टास्क देता हूँ मैं, टास्क जो है आपका वो कुछ इस तरह से होगा कि मेरे पास ये जो नंबर्स हैं वो स्टार प्रिंट हो रहा है, ठीक है। मेरे पास क्या हो रहा है, स्टार प्रिंट हो रहा है, लेकिन आपका टास्क ये है कि आपने इसमें से नंबर्स को प्रिंट करवाना है। मीन के फर्स्ट में जो स्टार है वो फर्स्ट स्टार में 1 आएगा, जो सेकंड लाइन में यहाँ पे 1 2 आएगा, जो थर्ड है 1 2 3 आएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 आएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। एक ये, दूसरा ये कि आपने इसको उल्टा प्रिंट करवाना है। उल्टा मीन कि कैसे, ये जो 5 स्टार हैं ये यहाँ पे आएंगे, ठीक है, इसके रिवर्स हो जाएगा ये डिज़ाइन इसका। ये आपका 2 टास्क हैं। कोड बेशक आप चेक करना है, आप लोगों ने तो कर लें। एक मैंने यहाँ पे फॉर लूप लगाया है, ठीक है, और एक मैंने यहाँ पे फॉर लूप लगाया है, जस्ट इतना सा काम किया। बाकी आप आइडिया लें, इसको चेक करें कि आपने इसको कैसे करना है। तो आज का जो लेक्चर आपका वो भी एंड हो गया, ठीक है। ये जो टिप्स हैं ये आपने लाजमी रीड करने हैं। तो अब मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर लेक्चर नंबर 8 में, स्विच स्टेटमेंट्स के बारे में, ठीक है। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।